वेलकम बैक गाइस। तो आज का हमारा वीडियो है एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट पार्ट है ये, एलिमेंट का सेकंड वॉल्यूम। स्टार्ट करते हैं गाइस आज का हमारा वीडियो, 12th क्लास इंटीग्रेशन। तो गाइस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना है गाइस, यहां पर किस तरह से करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन गाइस तो फंक्शन दिया है, ये क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 2 इसकी पावर हम 1/3। तो गाइस इंटीग्रेशन मैं बता चुका हूँ किस तरह से होता है, और फॉर्मूले मैंने आपको याद करने के लिए कहे थे, शायद अपने याद कर भी रखे होंगे। तो देखिए जो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1/3 है इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर हो जाएगा -1/3। अब उसमें से 1 ऐड कर देंगे, और जो नई पावर हमको मिलती है इंटीग्रेशन के दौरान, क्या करते हैं इंटीग्रेशन के दौरान इसमें जो 1 ऐड कर देते हैं और नई पावर के साथ डिवाइड कर देते हैं, और प्लस सी वो आंसर हो जाता है गाइस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नई पावर क्या है, नई पावर है हमारे पास जब -1/3 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2/3। और ये फार्मूला अगर आपने याद किया हो तो इसके बाई में इसका पूरे का डेरिवेटिव भी आता है, तो 3x + 2 का डेरिवेटिव होता है 3। तो इधर बाई में 3 आ जाएगा, जिससे कि नीचे हमारे पास 2/3 से 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। ये गाइस यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, प्लस सी हमेशा आता है सबके साथ में। नेक्स्ट देखिए गाइस इसका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 3x + 4। तो इसका क्या होगा भाई गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ x² सभी को अलग अलग लिख लेंगे, इंटीग्रेशन के और इंटीग्रेशन का मार्क पीछे dx प्लस इंटीग्रेशन -3x वैसे ही 4 गाइस। अब देखिए x² क्या होता है, एक पावर ऐड कर दीजिए नई पावर के साथ डिवाइड, इधर 3 है, 3 जो कॉन्स्टेंट होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, -3 आउटसाइड हो गया, एक्स की पावर कर दीजिए 1, सॉरी एक्स की एक्स का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर देखिए गाइस 4 है इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका हमेशा x होता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो जो अभी डाली है वो देखी हो कि इंटीग्रेशन क्या है, उससे आप समझ जाएंगे गाइस। अब देखिए गाइस थर्ड क्वेश्चन क्या है, sin 2x + cos 2x। इसके लिए गाइस सिंपल वे की फॉर्मूले याद कर लीजिए, समझ में आने लगेगा, मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं आपको पहले वाले, इंटीग्रेशन क्या है वो वीडियो देख लीजिए। तो इंटीग्रेशन मार्क है sin 2x dx, अलग अलग कर लीजिए, कर लिया। और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos, माइनस में हो जाएगा cos 2x, बाय में इंटीग्रेशन ऑफ जो एंगल है इसका इंटीग्रेशन 2x का होता है 2, प्लस में cos का होता है sin 2x, बाय में 2, प्लस सी ये आंसर हो जाएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस एक्स 2e(x) -1/x, इसका dx करना है गाइस। सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, सबको पहले अलग अलग करेंगे, तो जो x की पावर 2/3 है इसमें 1 ऐड करेंगे, और जो नई वैल्यू आएगी उसको उसके साथ कर देंगे डिवाइड। तो हमारे पास यहाँ पर 5/3 पावर हो गया, और 5/3 से 3 ऊपर लगा, 3x 5/3 हो जाएगा। इधर देखिए 2e(x), 2 आउटसाइड निकाला, e(x) का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन e(x) ही होता है, तो e(x) यहाँ पर देखिए गाइज x की पावर है 1/x है गाइज हमारे पास, तो 1/x को हमने x इनवर्स ये गलत है गाइज लिखना जरूरी नहीं था, 1/x का सीधा इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ x, ये इधर लिख भी रखा है गाइज, log ऑफ मोड ऑफ x इज प्लस सी, ये आंसर हो गया गाइज। नेक्स्ट देखिए फोर्थ सिंपल क्वेश्चन है गाइज, वैसे समझाने की जरूरत नहीं है इनको, तो फिर भी वीडियो बनाना जरूरी है। तो इधर देखिए cosecant x + cot x, तो cosecant को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो cosecant² x - cosecant x cot x, ये फॉर्मूला होते हैं गाइज, ये वाला होता है इंटीग्रेशन कोट का, और ये वाला इंटीग्रेशन होता है cosecant का, और प्लस में सी करके आंसर आ जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया a(x) / e(x), इंटीग्रेशन ऑफ a(x) / a(x) dx। तो गाइज ये तो देखिए फॉर्मूला होता है, जब a(x) होगा हमारे पास तो इंटीग्रेशन ऑफ a(x) dx इज इक्वल टू a^x बाई में log ऑफ a प्लस c, फॉर्मूला होता है ये हमारे पास। तो ये देखिए अब a(x) / a(x) को हम a(x) लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा a, ये इसके मतलब जो यहाँ पर a की जगह पर a लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा गाइज। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइज, अब थोड़े से ठीक क्वेश्चन होंगे गाइज, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आए हैं, इंटीग्रेशन करना है हमें
एक्स प्लस वन की क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इसका क्या है, सबसे पहले तो इसका क्यूब ओपन कर दीजिए, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, वन की क्यूब जो कि वन ही होगा, इसमें हो जाएगा चेंज, क्योंकि देखिएगा इस फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस बी स्क्वेयर ए प्लस ए बी क्यूब, सॉरी गाइस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है गाइस, ये मान कर लीजिए इसको। अब ये फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज आ गई, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका एक्स स्क्वेयर बाई टू, इसका थ्री एक्स, इसका थ्री लोग मोड एक्स, इसका एक्स और प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस इसमें क्या है, इसमें बेसिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए, अलग अलग कर लीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स क्यूब है एक्स फोर बाई फोर, यहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हैं। समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और देख लीजिए। इसमें भी गाइस वैसे ही क्यूब का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया, ओपन कर दिया और जो भी वैल्यूज हैं उनकी सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए, जैसे एक्स की सिक्स एक्स सेवन बाई सेवन, थ्री एक्स स्क्वेयर है थ्री, यहाँ पर वन ऐड किया और नई पावर के साथ डिवाइड कर दिया, थ्री से थ्री कैंसिल, इधर भी सेम एज इट इज, जो माइनस टू है उसमें वन ऐड किया, नई पावर आई माइनस वन उससे डिवाइड कर दिया। इसी तरह से गाइज ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस ये तो बस देखने ही क्वेश्चन है गाइज, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला देख लीजिए। पर इसमें क्या है, रूट माइनस वन बाई रूट एक्स किसी क्यूब करनी है, इसमें वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। कई बार क्या करते हैं कि लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त मल्टीप्लाई में गलती कर देते हैं, मल्टीप्लाई में गलती नहीं होनी चाहिए गाइज, ध्यान रखिए मल्टीप्लाई में गलती ना हो। इस तरह से हो जाएगा गाइज, जो भी हमारे पास वैल्यू है पावर्स हैं उनमें एक ऐड कर दीजिए और जो नई पावर हो उसे डिवाइड कर दीजिए, इस तरह से आंसर हो जाएगा गाइज। देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन भी खत्म यहाँ पर। मानता हूँ गाइज कि मैं क्वेश्चन समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि समझाने लायक क्वेश्चन है भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक टाइप समझ लीजिए, बाकी बस वीडियो में इनसे निकाल दूंगा। क्या है कि एक्स की पावर फोर बाई एक्स प्लस वन, जब ऊपर वाला किसी में टूट भी ना आ रहा हो और कोई भी पेयर वगैरह ना हो, तो गाइज क्या कीजिए कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर वाले से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये वन टू थ्री मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए लिखा, क्योंकि ये डिवाइड किया, यहाँ पर क्या है एक्स की फोर से एक्स प्लस वन, तो एक्स की जो फोर है उसको एक्स की फोर बनाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब इंटू एक्स, तो एक्स फोर हो जाएगा प्लस में वन इंटू एक्स क्यूब एक्स क्यूब, इसी तरह से ये अब माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब मिल जाएगा। इसी तरह से बाकी को भी ऐसे ही गाइस डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हमारे पास एट द एंड में हमारे पास वैल्यू बचेगी वन। अगर गाइस यहाँ पर जीरो आ जाए तो उसको ये ऐसे ही ख़त्म कर दीजिए, अगर बच जाए कोई भी वैल्यू बच जाए लास्ट में तो उसके बाद में जो ये वैल्यू है उसको रख दीजिए और नेक्स्ट ये स्टेप आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस में नीचे वाली वैल्यू बाई में ये, इस तरह से हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा गाइज। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन सिंपल होता है गाइज बिल्कुल, आप किसी भी आपकी जो टीचर है उससे पूछ सकते हैं। वीडियो में तो बस मैं यही बताऊंगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए और जो जैसे एक्स की क्यूब है तो इसकी पावर ए वन पावर ऐड कर दीजिए, बाई में फोर कर दीजिए, जो नई पावर आई है उससे डिवाइड कर दीजिए, यही बेसिक रूल होता है। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उन पर आप एक नज़र डाल लीजिए, ये मैं पूरी कैमरे को इसके ऊपर से निकाल रहा हूँ गाइस, ये एक तरह से बस आपके लिए सॉल्यूशन की हो जाएगी। ये देखिए ये फोर्थ हो गया, ये देखिए बस डिवाइड करना है और जो वैल्यू बच जाए, हाँ जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए गाइस, यहाँ पर वन बाई इंटीग्रेशन के दौरान टू जो भी कॉन्सोनेंट है वो अलग निकाल लिया जाता है, मान लीजिए ये वैल्यू इसको अलग मान लिया तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टू बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसका क्या होगा, इसका टू अलग निकाल लेंगे फिर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये आप जानते हैं कि वन बाई एक्स का क्या होता है लॉग में होता है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा टू एज इट इज लॉग ऑफ नीचे वाली वैल्यू मोड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, बाई में क्या है जो अंदर वैल्यू है इसका डेरिवेटिव टू एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव होगा प्लस सी, इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा गाइस, जैसे कि ये आंसर है। ये इधर देखिए गाइस ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड के बाद हमारे पास एंड में टू बचेगा, माइनस वन प्लस
टू बाई एक्स प्लस वन माइनस वन का होगा माइनस एक्स इंटीग्रेशन, और इसका होगा टू लॉग मोड एक्स प्लस टू। अब गाइज इसी तरह से देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या है। सिक्स क्वेश्चन है ये, एक बार आप देख सकते हैं कि ये करते वक्त तो मैं खुद गलती कर बैठा था। इसको देखिए इंटीग्रेशन करना है हमें x प्लस वन बाई रूट ऑफ टू एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन करना है, तो वन बाई टू सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे, दूसरा क्या टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू से डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखिए रूट के अंदर टू एक्स माइनस वन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कोशिश करेंगे कि नीचे वाले को ख़त्म किया जाए एक जगह पर, कैसे कि वन बाई टू है मतलब क्या है कि टू से मल्टीप्लाई करते हैं टू से डिवाइड, तो वन बाई टू अलग करते हैं इंटू टू एक्स प्लस टू। अब टू एक्स क्या करेंगे इसको जो है इसमें चेंज करेंगे, टू एक्स माइनस वन मिल गया एक प्लस थ्री, क्या किया कि जब माइनस वन में प्लस थ्री करेंगे तो हमारे पास प्लस टू आएगा, तो प्लस थ्री करके एक अलग वैल्यू लिख दी। अब जब टू एक्स माइनस वन को अलग इसी बाय में डिवाइड कर देंगे, प्लस थ्री के डिवाइड में इसको अलग रख देंगे, जब इससे ये कैंसिल हो जाएगा रूट में हमारे पास टू एक्स माइनस वन वैल्यू आ जाएगी इधर, जो है इंटीग्रेशन के दौरान थ्री आउटसाइड हो जाएगा और ये ऊपर जाकर पावर हो जाएगी माइनस वन बाई टू हो जाएगी। अब इसी तरह से इसको पावर प्लस वन बाई टू करके और इसको माइनस वन बाई टू करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, देख लीजिए किस तरह से होगा। अब आए कुछ गाइस अच्छे क्वेश्चन, थर्ड का जो सेवन्थ क्वेश्चन है ये क्या है, एक्स रूट वन प्लस एक्स इसका डी एक्स करना है गाइस। कैसे होगा इसका डी एक्स, जो एक्स है क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट वन प्लस एक्स माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स, इसका क्या करेगा गाइस एक्स में जो वन है वन को ही ऐड कर दिया, वन को ही माइनस कर दिया, वन को ही ऐड कर दिया, वन को ही माइनस कर दिया, तो गाइस इज इक्वल टू। अब जब इसकी वन प्लस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस एक्स के साथ, तो एक तो हो जाएगी होल पावर, ठीक है इसकी पावर क्या है वन है, इसकी वन बाई टू है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, वन प्लस वन बाई टू होता है थ्री बाई टू, इधर जब वन से रूट वन प्लस एक्स किया मल्टीप्लाई तो वन प्लस एक्स वन बाई टू आ गया। अब इधर देखिए गाइस इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें पावर में वन ऐड किया फाइव बाई टू और नई पावर से डिवाइड कर दिया तो टू बाई फाइव, ऐसे ही इसमें ऐड किया वन थ्री बाई टू और नई पावर से डिवाइड प्लस, ये आंसर आ गया गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट में भी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स बाई टू एक्स प्लस वन इसका स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन स्क्वायर डी एक्स, तो गाइज क्या करेंगे कि सॉरी हाँ मतलब गाइस में एक वन ऐड कर देंगे वन माइनस कर देंगे, नीचे टू एक्स है इधर भी टू एक्स है, वन ऐड किया वन माइनस किया, इससे क्या हो जाएगा गाइस ये कैंसिल हो गया हमारे पास वन बाई टू एक्स, ये तो हो जाएगा लॉग में चेंज लॉग ऑफ मोड ऑफ टू एक्स और इसका डेरिवेटिव टू, इधर गाइस इसको ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस में हो जाएगी और वन ऐड कर देंगे नई पावर से डिवाइड और इसके डेरिवेटिव से भी डिवाइड, या फिर मल्टीप्लाई होंगे और इसके बाद ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का ये वाला था गाइस लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस वीडियो का, बिल्कुल सेम है गाइस इसी की तरह जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या था टू एक्स बाई टू एक्स प्लस वन, इसमें क्या है एक्स प्लस टू इसमें क्या करना है टू को ही वन प्लस वन लिख देंगे और x प्लस टू एक वैल्यू इसको इसके बाई में अलग ये और इसके बाई में अलग करके लिख देंगे, बिल्कुल जस्ट इस क्वेश्चन है गाइज। तो ये वीडियो गाइज यहाँ पर होते ख़त्म, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, शायद मैं इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छी तरह समझा नहीं पाया, और आप चाहे तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं आपकी मर्जी। बाय बाय टाटा सी यू।